हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही उत्साह श्रद्धा भाव के साथ श्री श्री 108 अजूदी भैरव बाबा का भक्तों द्वारा प्राचीन कैलाशपुरी मंदिर हलवाई की बगीची पर भंडारे का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम बाबा के आगे पंडित जी द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भैरव बाबा के दरबार में झूमते नाचते अपनी उपस्थिति दी। कन्या लांगुर को जमा कर हजारों रागरों के लिए बाबा के भोग प्रसादी के भंडार का वितरण किया। दान पुण्य कर नेक काम किया। आयोजक चौधरी अजय यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। बाबा का दरबार रंग बिरंगे गुब्बारे भव्य फूलों से सजाया गया। भजन के साथ बाबा की जय जयकार करते सभी देवी देवताओं की आरती परिवार सहित कमेटी के मेंबर भक्तों द्वारा की गयी। श्री श्री अजूदी भैरव बाबा का 160वां वार्षिक महोत्सव आप देख रहे हैं किस तरीके से हर साल की तरह इस साल भी भक्त मना रहे हैं। और ये प्राचीन मंदिर जो कैलाशपुरी पे है, प्राचीन परंपरा को कायम रखते हुए समस्त जो कमेटी के लोग हैं इन्होंने इस आयोजन को यहाँ पे किया है। पहले कर लिया कन्या लांगुर को जमाया है, फिर उसके साथ साथ चलते फिरते हजारों जरूरतमंद रागिड़ों को आज दान भी किया है और भंडारे का आयोजन करते हुए सभी को प्रसाद वितरण कराया है। और ऐसे ही बाबा की मेहर बनी रहे सब पे और ऐसे नेक कार्य करते रहे। जय जय मेरे मेरे बाबा की। मेरा नाम चौधरी अखिल यादव, मेला संरक्षक, मेला संचालक में और सभी लोगों के सहयोग से ये मेला वार्षिक मेला का आयोजन होता है। आज यहाँ पर श्री 1008 अजूदी भैरव जी बाबा भैरव जी का आज वार्षिक महोत्सव जो बड़े धूमधाम से मंदिर प्रांगण में बन रहा है, जिसमें कन्या लांगुरा के भोजन प्रसादी और बाहर बैठे हुए भक्तगणों के मंदिर प्रांगण में आ रहे हैं, भक्तगणों को प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। बड़ा ही उत्सव का माहौल है मंदिर प्रांगण में देखने को मिल रहा है। आप देखिए, मेरा नाम अजय सोनी, मैं यहाँ का स्थानधारी हूँ। ये भैरव बाबा का 160वां वार्षिक मेला है जो हमारे गुरुजन जो परंपरा को जिस परंपरा को चलाते आ रहे हैं उसी परंपरा से हर्षोल्लास से हर साल यह मेला बनता है। जो भी भक्तियां श्रद्धा से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं बाबा भैरव। और आज देख रहे हैं कन्या लांगुरों को भोजन कराते हैं, उसके बाद भंडारा कर चलता रहता है बाबा की कृपा से उनकी इच्छा तक।